बुलंदशहर की नगरपालिका गुलावठी में स्थित थाने के पास 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तिवतिया ने अपने कर कमलों से पालिका चेयरमैन शैलेश तिवतिया, ईओ निहारिका चौहान, कोतवाल यशपाल सिंह सहित नगरजनों की मौजूदगी में 15वें वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की टाइड ग्रांट के अंतर्गत प्राप्त धनराशि GVP पॉइंट विलोपन कर ग्रीन वेल्थ निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों के साथ ईओ ने जिम्प अध्यक्ष का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। बात अगर उद्घाटन शिलापट की हो तो उसमें मौजूदा ईओ निहारिका चौहान सहित ग्रीन बेल्ट निर्माण कार्य में कितना खर्च हुआ है ये कहीं भी नजर नहीं आया। उद्घाटन कार्यक्रम और शिलापट पर उनका नाम नहीं है और ग्रीन बेल्ट निर्माण कार्य के खर्च का कोई इसमें उल्लेख ही नहीं है। सटीक जानकारी जानने के लिए जब न्यूज वर्ल्ड इंडिया के बुलंदशहर ब्यूरो चीफ अरुण यादव ने ईओ को उद्घाटन स्थल पर देखा तो उपस्थित कर्मी ने बताया कि वो पालिका कार्यालय निकल गई है। इतना सुनने के बाद पत्रकार अरुण दोपहर करीब 2 बजे के आसपास नगर पालिका पहुंचे तो वे अपनी ऑफिस से निर्धारित पाई गई। ईओ के अपने ऑफिस में नहीं होने को लेकर वहां उपस्थित पालिका कर्मी से पत्रकार अरुण यादव ने जब पूछा कि अभी दोपहर 2 बजे का टाइम हुआ है, ईओ ऑफिस में मौजूद नहीं है, तो पूछे पर उन्होंने एकदम से सहमते हुए हिलावाली कर बताया कि वो सुबह 5:30 बजे ऑफिस आई है, अब किसी मीटिंग में गई है और वो वापस आ जाएंगी। इतना सुनकर पत्रकार अरुण ने ईओ को लगातार 4 बार 2:15, 2:16, 2:17, 2:19 को फोन किया लेकिन ईओ निहारिका चौहान ने फोन उठाना जरूरी नहीं समझा, जो अपने आप में ही तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ ईओ कहती है कि वर्जन लेकर खबर करनी चाहिए तो फिर क्यों गुलावठी की नगरपालिका ईओ निहारिका चौहान न्यूज वर्ल्ड इंडिया के सवालों से बचती हुई नजर आई। भाई साहब, ये मैडम किस टाइम आई थी यहाँ? सुबह 5:30। हाँ, 5:30 5:30 बजे तो इस टाइम 2 बज रहे हैं तो यहाँ पर मौजूद नहीं है ऑफिस में। मीटिंग में होंगी। मीटिंग में होंगी, नहीं आ सकती। लौटने की संभावना है? हाँ। किस तरीके से यहाँ पर जो मेरे सहयोगी पहुंचे जिला ब्यूरो बुलंदशहर, उन्होंने पूछा तो कहा कि हाँ लौटेंगी लेकिन कब लौटेंगी इसका किसी बात का कोई अंदाजा है नहीं है। मेरे सहयोगी अरुण यादव मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज ढोल नगाड़ों के साथ जिम अध्यक्ष ने उद्घाटन किया, ग्रीन वेल्ट का उद्घाटन हुआ है और कहीं ना कहीं इससे उम्मीद है कि वाकई अब जो गुलावटी है उसका विकास होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे सवालों से यहाँ पर जो ईओ निहारिका चौहान है वो बचती हुई क्यों नजर आई है, क्यों वो नदारद नजर आई ऑफिस में? अरुण, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैडम आवाज कम आ रही है आपकी। अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ अब आ रही है। अरुण, पूरा क्या कुछ मामला है आज तो काफी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि बुलंदशहर या गुलावटी का विकास होगा तो विकास के लिए एक अच्छा कदम था। आप भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे ईओ से बात करने के लिए, चेयरमैन से बात करने के लिए। जी काजल, मैं सबसे पहले बता दूं 7 अगस्त 2024 दिन बुधवार को आज एक शिलापट का उद्घाटन हुआ जिसमें ग्रीन वेल्ट निर्माण कार्य का उद्घाटन किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी के कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन किया गया। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये मीटिंग का ये जो बात सामने आई थी उद्घाटन की, तो जो मीडिया ग्रुप है गुलावटी का, इसमें भी कहीं ना कहीं एक सक्रियता नजर आई। उसमें भी शेयर किया गया कि 11:30 बजे कल को इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन पंचायत अध्यक्ष जो है उनके किन्हीं कारणों के विलंब होने से ये उद्घाटन जो हुआ 1 बजे का हुआ, जिसमें साफ तौर पर जब शिलापट को हमारे द्वारा देखा गया तो इसमें 15वां वित्त आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की टाइड ग्रांट के अंतर्गत प्राप्त धनराशि कितनी धनराशि ये इसमें उल्लेख नहीं है। सबसे बड़ा सवाल हमें यहाँ पर ये नजर आया कि अगर इसकी हम जानकारी लेने के लिए जिस तरह से ईओ निहारिका चौहान को हमने वहां देखा तो वो अपने फोटो खिंचाने में व्यस्त नजर आई, तो सोचा कि बाद में इनसे बातचीत की जाएगी इस चीज को लेकर के। और सबसे बड़ा सवाल शिलापट का अगर देखा जाए तो इसमें
जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर नगर पालिका चेयरमैन की भी उपस्थिति नजर आ रही थी। सभासद गण का भी इसमें उल्लेख था। गरिमामय उपस्थिति में कार्यदायी संस्था का नाम नगर पालिका परिषद गुलावटी भी, यानी सब कुछ इसमें उल्लेख नजर आया। दो चीज जो मिस थी, जो हमने महसूस की, जिसको लेकर के हमने योनियारिका चौहान जी से जानने की कोशिश की। अरुण, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जब पहले ही पत्रकारों को आमंत्रित किया गया था, तो फिर सवाल जवाब क्यों नहीं हो पाए, या समय नहीं है यहाँ अधिकारियों के पास, या कुछ और वजह है? वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब हम कोई खबर करते हैं, तो इससे पहले भी हमने खबर की है नगर पालिका को लेकर के, और हमने फोनो पेज पे भी इससे पहले भी हमने खबर चलाई है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं आकर के हमसे वर्जन लिया जाए, जानकारी दी जाए, जानकारी जुटाई जाए, ताकि वो खबर सही हो सके। बस इसी को लेकर के जब हमने वहाँ देखा, जहाँ ये उद्घाटन स्थल था थाने के पास गुलावटी में, ये हुआ 7 अगस्त को, तो उस जब वो वहाँ मुझे नजर नहीं आई, तो मैंने वहीं पर पूछा कि मैडम कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ पे हैं? तो किसी ने बताया मुझे पालिका कर्मी से वहाँ पर, उन्होंने बोला कि मैडम नगर पालिका शायद निकल गई है, आप एक बार वहाँ जाकर देख लीजिए। मैंने मुनासिब समझा जाने, नगर पालिका में पहुंचा, करीब 2 बजे के आसपास का समय रहा होगा, तो मैंने जब वहाँ पे जाके पूछा, और मैंने एक से नहीं पूछा, पालिका में अन्य कर्मियों से पूछा, सीसीटीवी की फुटेज नगर पालिका में है, अगर उसकी पड़ताल करनी है। अरुण, आप लगातार 4 बजे तक ईओ निहारिका चौहान से बात करने की कोशिश करते रहे, उसके बाद क्या आपके पास कोई तरह किसी तरह की जानकारी हुई? काजल, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि जब मुझे बताया गया कि पालिका में वो मौजूद, सुबह 5:30 बजे आई थी, और उसके बाद वो मीटिंग में चली गई, अचानक ऐसी कौन सी मीटिंग आई जो उद्घाटन के बाद वो बताना जरूरी नहीं समझा, मीडिया ग्रुप में उस मीटिंग का कोई शेयर नहीं हुआ, और अचानक से जब उन्होंने कहा कि वो मीटिंग से लौट के आएंगी, तो मुझे इंतजार था कि कहीं ना कहीं जब मीटिंग से लौट के आएंगे, मैंने बोला था पालिका सर्विस से, जब वो आए तो हमको सूचना दीजिएगा, ताकि हम खबर को सही कर सकें, जो शिलापट है उस पर जो सवाल कर सके कि इसमें निर्माण कार्य का जो बजट है, जो काम है, जो पैसा इसमें लगाया गया है निर्माण कार्य में, वो इसमें उल्लेख क्यों नहीं किया गया? कितनी लागत से इसका निर्माण कार्य हुआ? साथ ही आपका नाम इस शिलापट पर मौजूद क्यों नहीं है, ताकि उस खबर को हम प्रमुखता से जनता के बीच में लाने का काम कर सके। और रही बात समय देने की, तो करीब लगातार 4 बार मैंने फोन कॉल भी किया इसी की जानकारी के लिए कि मैडम मीटिंग में है तो कहाँ पर है, किस समय लौट के नगर पालिका आएंगी, ये जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। और अब जब हम ये खबर कर रहे हैं, अभी तक यानी कि शाम 5 बजे तक नगर पालिका का काम होता है, समय होता है अधिकारी का रुकना, तो शाम 5 बजे तक भी मेरे पास कोई भी कॉल नगर पालिका या तो कर्मी की कह लीजिए, या फिर पीओ निहारिका चौहान जी की कह लीजिए, कोई भी कॉल मेरे पास इसकी सटीक जानकारी के लिए नहीं आई है, और ना ही उन्होंने कॉल उठाना जरूरी समझा। यानी ये पूरी तरीके से लापरवाही जो है वो देखी जा रही है। ठीक है अरुण, आप इस पूरी खबर पर नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो जहां एक तरफ गुलावटी नगर पालिका की ओर कहती हैं कि आप हमारे पास आइए, हमसे बात करिए, किसी तरह का जो भी काम विकास कार्य हो रहे हैं उसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ से ईओ निहारिका चौहान नदारद मिलती है, और जब पूछा जाता है तब कहा जाता है कि वो आ जाएंगे, लेकिन शाम 5 बजे तक वो कार्यालय पर नहीं पहुँची, और ना ही किसी तरह की का कोई जवाब वो देती हुई नजर आई है। अब देखना ये है कि इस पूरे मामले को लेकर ईओ निहारिका चौहान किस तरह की टिप्पणी करती है और किस तरह का बयान देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।